नमस्कार, मैं डॉक्टर जया शर्मा, डायरेक्टर ऑफ नोबल आईवीएफ सेंटर एंड द राजमाता हॉस्पिटल। आज हम चर्चा करेंगे इनफर्टिलिटी। क्या है इनफर्टिलिटी? इनफर्टिलिटी मीन्स कोई भी कपल एक साल से ज़्यादा टाइम में भी कंसीव नहीं कर पा रहा, आफ्टर ऑल नॉट हैविंग एनी कॉन्ट्रासेप्शन, कोई कॉन्ट्रासेप्शन न लेने के बावजूद भी रेगुलर इंटरकोर्स के बाद कंसेप्शन नहीं हो पा रहा है, ऐसे कपल्स को हम इनफर्टिलिटी वाले ग्रुप में रखते हैं और उनका वर्कअप शुरू करते हैं। इनफर्टिलिटी इज़ ग्रोइंग नाउडेज, बहुत बढ़ रही है, तेज़ी से बढ़ रही है। ग्लोबलाइजेशन के साथ लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, कॉरपोरेट लाइफ स्टाइल हो रहा है, तो उसके साथ इनफर्टिलिटी के नंबर्स भी बढ़ रहे हैं। ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पॉपुलेशन, 15% पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप इज इनफर्टाइल। आउट ऑफ इट द परसेंटेज 40% केसेस, टोटल नंबर ऑफ इनफर्टिलिटी केसेस जो हमारे पास आते हैं उसमें से 40% केसेस आर बिकॉज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी, 40% केसेस आर बिकॉज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी, 10% केसेस बोथ ऑफ द पार्टनर्स हैव सम प्रॉब्लम एंड 10% आर अनएक्सप्लेन्ड। तो आज हम चर्चा करेंगे मेल इनफर्टिलिटी, क्योंकि फीमेल को सबसे, बिकॉज इट इज़ अ सोशल स्टिग्मा एंड इट इज़ सपोज कि भी फीमेल्स की वजह से ही इनफर्टिलिटी होती है। लेट मी क्लियर दैट 40% ऑफ द टोटल इनफर्टिलिटी इज़ बिकॉज ऑफ द मेल प्रॉब्लम। तो ये चीज़ के लिए हम आज मेल इनफर्टिलिटी पे चर्चा कर रहे हैं कि ये एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको मेल इनफर्टिलिटी के कारण, मेल इनफर्टिलिटी का इन्वेस्टिगेशन एंड थोड़ा थोड़ा मैनेजमेंट हम बताएंगे। तो मेल इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ा सोशल स्टिग्मा है, एक्सेप्टेंस कम है एंड इनफर्टिलिटी का चांस विद दैट लाइफस्टाइल बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? ओनली 15 to 20 million मेल्स आर इनफर्टाइल नाउडेज। 40% ऑफ देयर प्रॉब्लम इज़ द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द स्पर्म, मीन्स इसकी क्वालिटी, नंबर ऑफ स्पर्म जो प्रेगनेंसी के लिए चाहिए वो कम हो रहे हैं और क्वालिटी जो हमें चाहिए वो कम हो रही है। अब इसमें दिस इज़ द समटाइम्स वेरी फास्ट न्यूज़ कि इनफर्टिलिटी इन मेल्स आर ग्रोइंग, इनफर्टिलिटी इन मेल्स आर। अब हम कॉजेस पे आएंगे कि भाई कारण क्या क्या हो सकते हैं। कारण बहुत सारे होते हैं। कारण कुछ जो मेन स्पर्म्स बनते हैं वो टेस्टिस में बनते हैं, स्क्रॉटर में, जो छोटे छोटे टेस्टिस होते हैं। तो प्री टेस्टिकुलर, टेस्टिस से पहले ब्रेन से रिलेटेड हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो टेस्टिस में जाते हैं, टेस्टिस फंक्शन करके उनका फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म करते हैं और फिर टेस्टिस से वो डेस्टिनेट एरिया में स्पर्म्स जाते हैं। प्री टेस्टिकुलर कारण में हमारे ब्रेन से रिलेटेड हैं, कुछ हमारे इंट्राक्रेनियल ट्यूमर्स हैं, इन्फेक्शंस हैं, हार्मोन चेंजेस हैं या फिर जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं, कुछ सिंड्रोम्स हैं जो कि हार्मोन सेंट्रल्स से हम टेस्टिस वाले लेवल पे नहीं आते। दूसरा है टेस्टिकुलर लेवल। टेस्टिकुलर लेवल में कुछ प्रॉब्लम्स हैं टेस्टिस के लेवल पर होती हैं, जैसे कि बचपन में कोई वायरल इन्फेक्शन है, मम्स है, ट्यूबरकुलोसिस है या टॉर्शन है या कोई चोट है या फिर हाइड्रोसील और वेरिकोसील है, जिसमें कि वो टेस्टिस का साइज़ बढ़ जाता है, स्क्रॉटम का साइज़ बढ़ जाता है, वहाँ टेम्परेचर बढ़ता है और टेम्परेचर कॉजेज लेस फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म। टेम्परेचर हाई होने की वजह से, वहाँ साइज़ बढ़ने की वजह से, पानी या वेसल्स बढ़ने की वजह से टेम्परेचर स्क्रॉटम का बढ़ता है और नंबर, स्पर्म का नंबर कम होता है। तो ये टेस्टिकुलर कारण है। अब टेस्टिस कभी कभी स्पर्म बनते हैं और पहुंच नहीं पाते सीमेन में, उसका कारण है ऑब्स्ट्रक्शन, मीन्स वॉस डिफरेंस। कभी कभी कंजनाइटली जो एक पाइप होता है जो उसको ले जाता है स्पर्म्स को, वो बनता नहीं है या फिर इन्फेक्शन के कारण रुक जाता है, या फिर कभी कभी टेस्टिकुलर लोग फैमिली प्लानिंग के ऑपरेशन भी करा सकते हैं जिसे वास्टेक्टमी कहते हैं, फिर वो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में चले जाते हैं। तो दीज आर फ्यू प्रॉब्लम्स। अब लाइफस्टाइल चेंज के साथ क्या प्रॉब्लम है जो कि इंड्यूस्ड हैं, कुछ जेनेटिक है, इन्फेक्शन है, कुछ चीज़ें जिन्हें हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं जेनेटिक जिनको हम प्रिवेंट ही नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं दे आर प्रिवेंटेबल बट स्टिल दे आर इन द सोसाइटी। लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं जैसे ओबेसिटी, ग्लोबलाइजेशन के साथ, फास्ट फूड के साथ, सेडेंटरी लाइफ के साथ,
BMR सबके BMI बढ़ रहे हैं, वेट बढ़ रहा है, तो उसके साथ हमारा नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्पर्म एंड क्वालिटी ऑफ स्पर्म भी ख़राब होती है। दूसरा है हमारी वियरिंग, टाइट अंडरवियर्स जिसके कारण नंबर ऑफ स्पर्म्स कम हो जाते हैं। तीसरा है एडिक्शन्स, आजकल अल्कोहल, तम्बाकू, गुटखा कंसप्शन बढ़ रहा है जिससे कि नंबर और क्वालिटी कम होता है। चौथा है हमारे जो भी मेल्स हैं, दे आर मोर एक्सपोज टू द फैक्ट्रीज एंड द केमिकल्स, टॉक्सिन्स, हैवी मेटल्स, जिसमें कि नंबर एंड क्वालिटी दोनों ही स्पर्म की कम होती हैं। एंड लेटेस्ट एंड मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी, जैसे मतलब मोर आवर्स ऑफ लैपटॉप एक्सपोजर, मोर आवर्स ऑफ द सेल फोन एक्सपोजर्स, दीज आर द कॉजेज ऑफ द रिड्यूस नंबर एंड द क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स। अभी एक बहुत बड़ा फैशन है बॉडी बिल्डिंग, द मस्कुलाइन मसल्स, दैट हायर मसल्स डजेंट मीन्स द हायर फर्टिलिटी। जितने भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो स्टेरॉइड्स लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, उनका सेकेंडरीली नंबर ऑफ स्पर्म्स एंड क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स आर वेरी वेरी पुअर। तो ये रहा हमारे कॉजेस। अब इन्वेस्टिगेशन पार्ट आता है कि इन्वेस्टिगेशन हम कैसे करेंगे। अब हमने फर्स्ट पेशेंट, जब भी कपल आता है, वी डू अ सिंपल सीमेन एग्जामिनेशन। सीमेन एग्जामिनेशन में हमें कभी नंबर कम मिलता है, मीन्स ओलिगोस्पर्मिया, कभी नंबर बहुत कम मिलता है, क्रिप्टो जूस्पर्मिया बोलते हैं कि वो भी बहुत मुश्किल से एक दो स्पर्म दिख रहा है। कभी उनकी मोटैलिटी, जैसे स्पर्म को मूव करना चाहिए, जिस जितना मोटाइल है उतनी फर्टिलिटी अच्छी होती है, तो वो मोटैलिटी कम दिखती है। कभी स्पर्म की मॉर्फोलॉजी, मीन्स जो उसकी बनावट है वो नॉर्मल है कि नहीं, वो नॉर्मल बनावट नहीं दिखती है, तो वो मॉर्फोलॉजी की एबनॉर्मलिटी है। तो इन्वेस्टिगेशन में हम लोग जो मेल्स का कराते हैं, फर्स्ट सीमेन, सीमेन एग्जामिनेशन के आधार पे जो उसका नंबर आता है, इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन, गोनोरिया, क्लेमाइडिया एंड सीमेन कल्चर कराते हैं। अगर नंबर कम है तो हार्मोनल प्रोफाइल कराते हैं, जैसे FSH, LH, टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन। तो दिस इज़ बाय द इन्वेस्टिगेशन वी रोल आउट द कॉज कि किस लेवल पे है, वेदर सेंट्रल लेवल का प्रॉब्लम है, टेस्टिकुलर लेवल का प्रॉब्लम है, या टेस्टिस के बाद का प्रॉब्लम है। अगर चीज़ें FSH, LH कम आते हैं, हॉर्मोन्स कम आते हैं, मीन्स हमारे सेंटर से ब्रेन लेवल पे हमारे हॉर्मोन्स नहीं बन रहे हैं। अगर हॉर्मोन्स नॉर्मल हैं और टेस्ट नहीं बन रहा है, दैट मीन्स टेस्टिस में फॉर्मेशन नहीं है, टेस्टिस की ही प्रॉब्लम है। और अगर सब हॉर्मोन्स भी नॉर्मल हैं तो भी हमारे नहीं है, इसका मतलब है हमारे ऑब्स्ट्रक्शन, मीन्स जो कैरिंग प्रोसेस है स्पर्म्स का, वो हमारा गड़बड़ हो रहा है। तो ये रहा हमारा ट्रांसपोर्ट कॉजेज एंड इन्वेस्टिगेशंस। इवेल्युएशन हमने करा लिया कि दिस इज़ द कॉज ऑफ द ओलिगोस्पर्मिया। अब ट्रीटमेंट पार्ट, ट्रीटमेंट पार्ट मीन्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ लाइफस्टाइल। आई डोंट से कि भाई इनफर्टिलिटी में जाएं तभी आप लाइफस्टाइल बदलें। आप पहले से ही, आपको पता है कि स्पर्म्स ओबेसिटी में, प्रोलॉन्ग सिटिंग, बैड फूड हैबिट्स, बैड सेडेंटरी लाइफ्स, हमारा ओवरऑल बॉडी का सिस्टम गड़बड़ होता है, नमक कम होता है, तो यू कैन अवॉइड बाई टेकिंग द प्रायर प्रीकंसेप्शन एंड प्रोफाइलेक्सिस। अगर हम वर्कअप में हैं और ये नंबर कम आ रहा है, तो सबसे पहले हम लाइफस्टाइल चेंज कराते हैं, वर्किंग आवर्स, वर्किंग टाइम, वर्किंग कंडीशंस, टेम्परेचर, क्लोदिंग एंड द एडिक्शंस। यू नीड टू अवॉइड द एडिक्शन पार्ट, अल्कोहल, स्मोकिंग, गुटखा, तम्बाकू, ये सब हमको छोड़ने पड़ेंगे, लाइफस्टाइल हमको चेंज करना पड़ेगा। और चीज़ें हैं जैसे हमको डाइट, हेल्दी डाइट, जंक फूड अवॉइड करना पड़ेगा। जंक फूड के साथ साथ अगर नंबर कम है तो एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि हमारे स्पर्म की फॉर्मेशन में, मोटेलिटी और मॉर्फोलॉजी उसकी बनावट में हेल्प करते हैं, जैसे लाइकोपीन है, कोक्यू एंजाइम्स हैं, आर्जिनिन है, तो प्रोटीन है, इवन द टमेटोज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऑल दे हैव द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड विटामिंस, जिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम डाइट भी इम्प्रूव कर सकते हैं और कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। अगर इन्फेक्शन आया है तो एंटीबायोटिक का भी एक कोर्स ले सकते हैं। अगर हॉर्मोन्स प्रॉब्लम है तो हॉर्मोन्स भी बहुत सारे हैं एडवांसमेंट के साथ, के हम हॉर्मोन्स के ट्रीटमेंट के साथ, प्रोलैक्टिन ज़्यादा है तो प्रोलैक्टिन कम कर सकते हैं, थायराइड ज़्यादा है, थायराइड, शुगर है, हाइपरटेंशन है, तो इन चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। देन फॉर दैट स्टेप वाइज एंड द गाइडेड वर्कअप इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये वर्कअप आपका बहुत ज़रूरी है।
और क्या कारण है ये बहुत ज़रूरी है, प्लस आपकी अंडरस्टैंड की, यू नीड टू अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी का। उसके बाद फिर हम अगर चीज़ें करेक्ट होती हैं तो यू विल गेट द स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन, अगर कंसेप्शन नहीं है तो वी कैन हैव IUI, अगर नंबर कम है तो इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन कर सकते हैं जिसमें कि स्पर्म की क्वालिटी और बेटर क्वालिटी स्पर्म्स हम गैदर कर लेते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन से, प्रिपरेशन से, और उसको हम यूट्रस में रख देते हैं कि प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टिल वी आर नॉट गेटिंग प्रेगनेंसी बाय IUI, तो जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी हैं जैसे स्पेशली फॉर द मेल इनफर्टिलिटी, ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन है, TESA है जिससे कि बायोप्सी हम लेते हैं टेस्टिस से अगर ऑब्स्ट्रक्शन है कि टेस्टिस से बाहर नहीं जा पा रहे, TESA, पेसा, मेसा, माइक्रोटेसे, लेकिन बायोप्सी की एक ज़रूरत बात इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि बायोप्सी हम तभी कराएं जब हमारे पास फ्रीजिंग फैसिलिटी हो। उसमें हम एक टिश्यू एग्जामिनेशन के लिए भेजते हैं पैथोलॉजिस्ट, और एक टिश्यू को हम फ्रीज कर लेते हैं सो दैट बायोप्सी रिपीटेड ना करनी पड़े। तो ये ट्रीटमेंट का पार्ट है, एंड विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड ART, द ट्रीटमेंट्स आर सो ब्यूटिफुल, रिजल्ट आर सो गुड कि मेल इनफर्टिलिटी इज़ नॉट दैट अनट्रीटेबल, बट द प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर लाइफस्टाइल मैनेजमेंट एंड वर्कअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो डू टेक केयर ऑफ योर लाइफस्टाइल, योर ईटिंग हैबिट, योर एंटीऑक्सीडेंट्स एंड योर फर्टिलिटी। थैंक यू वेरी मच।